नमस्ते दोस्तों जी, हमें जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं आपको बता दूं कि 15 दिन से फॉलोअप हो रहा है, लेकिन चिटको है जो कानों में अपने उंगली डाल के रुई डाल के बैठी हुई है। सेक्टर 8 और 9 के रहवासियों ने फोन करके जब मुझसे कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है, आपको कवर करना है, आपको दिखाना है, और आपके जो सिटको के ऊपर आला से आला अधिकारी यानी कि MD तक को ये बात जानी चाहिए। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि पानी जल जो है वो जान होती है। यदि पानी नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो आगे देखते हैं। और सेक्टर 8 और 9 में जो वाटर सप्लाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लोग खड़े हैं, इनको ऑफिस है यहाँ पे, और इनको पानी नहीं मिल रहा है। आइए पूछते हैं इनसे आखिर इनकी समस्या क्या है। तो ये हाँ सर, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है सर। मैं शंकेश्वर प्लाजो से सेक्रेटरी लोकेश बोराड़े हूँ। बेसिकली सेक्टर 8 और 9 ये सभी हम लोग सेक्टर 8 और 9 के सेक्रेटरी एंड चेयरमैन लोग हैं। फिलहाल हम इतने ही आए हैं ताकि एटलीस्ट सिडको से बात करें और पानी का जो प्रॉब्लम है वो उनके बात करके सॉल्व करें। बेसिकली हमारे दोनों सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि वाटर सप्लाई भी पाँच दिन से कंटिन्यू सप्लाई नहीं आया है, तो हम टोटली टैंकर पे जी रहे हैं। उसके पहले भी जो सप्लाई आता है 2 महीने से हमको बहुत लो प्रेशर में सप्लाई आता है, और जितना डिमांड है हमारा उतना होता नहीं है। जैसे मेरे बिल्डिंग में एटलीस्ट 60,000-70,000 लीटर आना चाहिए, वो 30,000-35,000 लीटर पानी आता है, उसमें हम कैसे चलाएं। तो टैंकर पे हमको डिपेंड रहना पड़ता है। नलावड़े साहब भी है, सिडको के ऑफिशियल्स है, वो भी हेल्प करते हैं कभी कभी, वो भी टैंकर दे देते, बट टैंकर पे तो जी नहीं सकते ना, पाइप से पानी देना चाहिए। तो ये ही सबका प्रॉब्लम है कि पानी आता नहीं है और विदाउट वाटर हम कैसे जिए। तो लॉकडाउन में इन्होंने 24 घंटा पानी सप्लाई किया है, और जब लॉकडाउन खत्म हो गया है तब पिछले 1 महीने से पानी की प्रॉब्लम आ रही है। अल्टरनेट 36 घंटे के बाद पानी आता है, वो भी एकदम स्लो प्रेशर में आता है। तो आप सोचिए, अगर पहले 24 घंटे में पानी आता था, उसके बाद अभी 36 घंटे बाद पानी आ रहा है, तो किस हिसाब से सोसाइटी चलेगी। और सारी 13-13 माने के टावर है, तो कहां से ये सारी चीजें होगी। और अल्टरनेट हम टैंकर से यूज नहीं करवा सकते, टैंकर का पानी बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस वक्त आप लोगों ने कोरोना की हर चीज का पालन किया हुआ है यहाँ पे, सबसे अच्छा बात यह है। नीलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, उलवा सिटी ये लोग बोलते हैं प्लान सिटी है, तो प्लान सिटी है, तो प्लान में इन्होंने ये टॉयलेट वाला रिक्लेशन बराबर अलग रखा है। पानी का इनका इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको अभी अगर नॉर्मल इसमें जितना पानी चाहिए उतना फ्लो ही नहीं हो रहा है। हम लोग इतना ये कर रहे हैं, यहाँ बूस्टर पंप का बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से बूस्टर पंप लगाना है, बूस्टर पंप लगा के रखा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है अभी, ये बोल रहे हैं। अभी बोलते हैं MECL से बात करना है, सिडको से बात करना है, तो हमें बताओ हम क्या करें। हमें चाहिए तो हम ला के आपको जनरेटर लगा के देते हैं, उस पर आप चालू कराओ, बट पानी का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, हम भी चाहते हैं। आपका क्या कहना है जी। मैं संजय वर्गीस बात कर रहा हूँ, सेक्टर 9 हरी हाइट से। अभी पानी का समस्या बहुत इशू है, अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा पब्लिक घर पे भी है, छोटा बच्चे से लेके बड़ा पब्लिक सब लोग ऑफिस का जॉब नहीं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसलिए पानी का बहुत इशू है। जो प्रेशर आ रहे है उसका प्रेशर बढ़ा के दे दो, दैट इज आवर रिक्वेस्ट। यू व्हाट यू वांट टू से। मैं से एग्री हूं जो उन्होंने बोला है। पानी का मतलब बेसिकली लास्ट वीक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। जो सामने बिल्डिंग्स हैं, जो डायरेक्ट पाइप है, उनके लिए फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा सा पीछे वाली बिल्डिंग में रहता हूँ, तो मेरा जो सप्लाई है फिर एंड में आता है। अगर पीछे से स्लो मोशन में जो पानी आएगा तो लास्ट बिल्डिंग तक तो पहुंचेगा ही नहीं। जी, अगर नहीं पहुंचेगा तो हमारे बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका भी यही प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम है, और हम लोग यही चाहते हैं कि सिडको लोग सुने हम लोगों का, नहीं तो हम लोग को सब बिल्कुल बिल्कुल सिडको को सुनना ही पड़ेगा सर। इसमें रास्ते में लाके यहाँ पे बैठना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, सिडको को आपकी बात सुननी पड़ेगी। सर आपका क्या सेम प्रॉब्लम। मैं उससे बात कर रहा हूँ, काफी कोऑर्डिनेशन किया हुआ है अभी तक, लास्ट 15 डेज से कंटिन्यू आ रहा हूँ ऑफिस में, और डे टू डे कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, पानी नहीं है, मगर लास्ट 15 दिन से आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, नहीं है, और कोई भी इससे एक्शन प्लान नहीं है। और बताया जा रहा है अभी ठीक होगा, कल फिर ठीक होगा, लेकिन एक्शन प्लान नहीं लगता है सिडको के पास। बूस्टर पंप और हमारा प्रेशर बहुत कम है, हम लोग पानी अकोमोडेट नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है, 3+13 के टावर है सब, और सभी टावर में प्रॉब्लम है। एक मिनट, बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि 15 दिन से फॉलोअप हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें आपको क्या कहना है। हम लोग अभी हमारे सोसाइटी में तेजस सिंपनी से सेक्टर 9 में, उधर प्रेग्नेंट वुमेन है, एजेड वुमेन है,
जो वल्नरेबल क्लास है उनको हम लोग कैसा साफ सफाई करेंगे, इतना करोड़ों का पेंडेमिक पीरियड चालू है और लॉकडाउन के वजह से लोगों को पेमेंट नहीं है, टैंकर से भी कैसा पानी मंगवा सकते हैं। इधर हम लोग नलावनी साहब है, वैभव साहब है, उनको हम रोज फोन करते हैं, वो किसी का फोन भी नहीं उठाते। इधर आए तो बोलते हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो हम जाए किसके पास? ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं है, हमारा कोई वाली भी नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर भी नहीं, हम मिले किससे? तो हमारी जान जाने के बाद ये लोग जाग जाएंगे क्या? आता लोकांच्या भावना तीव्र झालेले आहे, बरोबर आहे। जर लोकांच्या भावना आणखी तीव्र झाल्यात तर त्याला फक्तच आणि फक्त सिडको जबाबदार राहील, सॉल्व करा। हे बोलतात शनिवार रविवार आमचं ऑफिस बंद राहते, मग उद्या दंगल झाली तर हेच उत्तर देणार काही लोक? त्यांना काही अधिकार नाही, बेरोजगार लोक पडलेत त्यांना बसव, ते इफिशियंटली काम करतील, फुकटचा आमचा जनतेचा पैसा खातात हे लोक। बस शीश चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।